हेलो, मेरा नाम श्रद्धा महाजन है और मैं बेसिकली हरिद्वार से हूँ। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। अप्रैल में थोड़ा से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए थोड़ा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा कि मुझे अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है और मुझे फाइबर्स लेने हैं। ये सब करते करते हम मई तक पहुँच गए। मई में जब मेरे को कॉन्स्टिपेशन ऐसे रेगुलर रहा तो मैं हरिद्वार में ही अपने फिजिशियन को मैंने दिखाया, तो फिजिशियन ने मुझे थोड़े अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट लिख कर दिए। ब्लड जो मेरा अल्ट्रासाउंड आया उसमें थोड़ी स्वेलिंग आई, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप थोड़े हायर सेंटर में जाएं और अपने टेस्ट करवाएं। तो फिर इसके बाद उन्होंने कॉलोनोस्कोपी के लिए मुझे रेफर किया। मैंने कॉलोनोस्कोपी के लिए हरिद्वार में ही करवाया, तो वहाँ पे बायोप्सी रिपोर्ट्स जो आई उसमें पता चला कि मेरे को रेक्टम में कैंसर है। एक दो दिन तो मुझे लगे कि मुझे कैंसर कैसे हो गया। इवन यू नो एज अ टीचर तो मेरी लाइफ इतनी डिसिप्लिन है, फूड मेरा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ बहुत प्रॉपर चल रही थी, और ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया। मतलब दो तीन दिन तो मैं समझ नहीं पाई। इसके बाद फिर हमें ये लगा कि हमें पता चला कि मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल के बारे में हमने सुना था, और मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद ब्रांच में हम आए। यहाँ पर हमें डॉक्टर नितिन सिंघल मिले, जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट थे, सर्जन है, जिन्होंने फिर सारा ऑपरेट किया। यहाँ मुझे एडमिट करा, फिर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी में देखा उन्होंने कि बॉडी के अंदर ज़्यादा है इन्फेक्शन, जबकि पता पहले कम चला था। वो सारा उन्होंने सारा रिमूव किया। अगर हम कहें ना, एक वाहेगुरु जी तो होते ही हैं जो सबको बचाते हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो डॉक्टर नितिन सिंघल है। अगर मेरे को कैंसर है तो मुझे फेस करना है, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिलना ये सबसे बड़ी बात है। मुझे डॉक्टर नितिन सिंघल मिले, और वो एक डॉक्टर के अलावा वो एक स्ट्रेंथ देने वाले और एक मोटिवेटर है। मतलब अगर आप कोई पेशेंट है तो पेशेंट से वो मुझसे, अगर मैं पंजाबी हो तो मुझसे पंजाबी में बात करेंगे, मुझे थोड़ा चीयर अप करेंगे, मुझे स्ट्रेंथ देंगे, मुझे मोटिवेट करते थे वो। मतलब ही इज़ द बेस्ट वन। और यहाँ का जो मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद का जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव। मतलब आपको लगेगा जैसे कि हम घर पे हमारे फैमिली मेंबर्स हमारी टेक केयर करते हैं, वैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है डॉक्टर का सबसे अच्छा होना। वो डॉक्टर नितिन सिंघल इज द बेस्ट। मतलब मेरी जर्नी यहाँ तक, मेरी सर्जरी हुई है, अब सर्जरी हो चुकी है मेरी, स्टिचेस भी रिमूव हो चुके हैं, अब आई एम फीलिंग वेरी गुड। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के हॉस्पिटल्स और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ, मतलब आई मस्ट से very nice. This patient, when she first came to us, she was diagnosed as a case of distal sigmoid and upper rectal cancer, and along with that she had a small lesion in the liver, and that made it as a stage 4 cancer, but potentially resectable because of the small one lesion which he had in the liver. And that's why we had planned her initially for the laparoscopic surgery, wherein the plan was to remove the part of the colon which had the cancer along with the liver in the same setting. But when we started the surgery and we put the telescope in, we found the disease to be much more extensive than what was initially seen in the scans, which can be seen in certain of these cases, in I would say 5-10% cases, wherein the disease can spread beyond this area which are seen on the scan. And the disease was not only limited to liver and the rectum, but it was spread on the layer which is known as a peritoneum, which is a covering, which covers all the abdominal organ. On that, there were small, tiny nodules of cancers all around, but still it was potentially resectable, and that's why we decided to convert into an open surgery and went ahead and removed the entire disease, whatever was there, in the same sitting. It was a major surgery, required removal of the large part of the large intestine along with the uterus, ovary, and a fat covering which is known as omentum, and along with that lymph node dissection and the peritoneum. But thankfully the surgery went good. We could remove the entire tumor, visible tumor, in one go. We then rejoined our intestine which was removed, and the patient made an uneventful recovery. She is now back to normal life, and she'll be subjected to now chemotherapy, and we hope now with this she'll have a good outcome, because generally for cancers of colorectum with limited peritoneal and liver metastasis, giving just chemotherapy does not help, because generally they are not that chemosensitive. To this sort of mucinous tumors, they are not that chemosensitive, and they generally don't respond to chemotherapy that well. But after surgery, when you remove all this thing and if you give them chemotherapy, they generally have a better outcome. So anybody having this sort of disease can contact us for further treatment.